गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? अभी हो रहे हैं दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, घड़ी दिख रहा है आपको, और मैं यहाँ पे आई हूँ कॉफी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता ही है, मतलब अक्सर कोई ना कोई आ ही जाता है, तो बाहर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो इन्होंने कहा कि कॉफ़ी भेज दो। तो कॉफ़ी में भी दो तरह से कॉफ़ी है, कोई बिना चीनी का है, कोई शुगर फ्री है। तो शुगर फ्री में मतलब शुगर फ्री डालती हूँ मैं, और तो नॉर्मली सी ही बात है ये। तो खाना वाना हो गया हम सबका, और आज है 29 फरवरी, और आज है मेरी जेठ जेठानी का मैरिज एनिवर्सरी। तो सिंपल सी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है वैसे, क्योंकि सिंपल सी होने के पीछे भी कारण है, क्योंकि कुछ दिन बाद ही बहुत बड़ा फंक्शन है हमारे घर में, इस वजह से तो मेरे यहाँ सिंपल सिटी में भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बाहर मतलब लिट्टी और लिट्टी पार्टी है, एक तरह से कहिए उसको। तो बाहर आके मिस्त्री खाना बना रहा है, तो शायद 50-60 लोग खाएंगे, तो मुझे इतना कन्फर्म नहीं पता है। और अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई है, सिर में दर्द, और आप लोगों को दिख रहा होगा तेल तेल जैसा। मैं यहाँ पे बाम लगाई थी कब से लेटी हुई थी, लेकिन पता है मुझे अकेले लेटना भी अच्छा नहीं लगता, जब तक नींद नहीं आती मुझे ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अभी कॉफी बन गया, मैं अभी जस्ट देकर आ रही हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। हम लोग कॉफी लेकर बैठे हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े बर्तनों में कॉफी मैं दिया, माँ बोली है कि अभी नहीं लेना है, और माँ वहाँ देखिए इतनी सारी मिठाई के ढेर पर बैठी हुई है, हंस रही है, और यहाँ पे भी मिठाई, सोचिए इस कदर मिठाई हम लोग खाएंगे तो हमारी हालत क्या होने वाली है। पर बच्चे तो बहुत खुश है, मिठाई 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 एकदम, अभी मिठाई का खजाना अंदर है, क्योंकि आज भाभी का एनिवर्सरी है मैंने बताया, और भाभी ने, वो बहुत आराम प्रिय इंसान है, उनको मतलब जरा सा भी कंजेस्टेड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन फिर आ गई नाइटी पे, लेकिन नाइटी भी पहनी है तो आज नहीं पहनी है। हेलो बोल दो। हेलो। चलिए मैं भी जा रही हूँ सबको देने के लिए, और आप लोग भी खाइए, एक बाल्टी भरा हुआ है, थोड़ा सा कम है। अभी जाके पता है मैंने ना सिर दर्द की दवाई खाई, तो थोड़े से मतलब रिलैक्स ऐसा लग रहा है, तो अभी बस चेहरा वेहरा धो के और बैठी हूँ, और कंघी भी नहीं किया। आपको तो पता ही है मेरी सबसे गंदी आदत कंघी ना करने की घर में। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे मिठाई के डब्बे हैं, ऐसे कि खाली नहीं है कोई भी, सब भरे हुए हैं। तो ये लड्डू ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और यहाँ पे है गोल के लड्डू, पर खाने का मन नहीं करता है कुछ भी सच में। अभी चाउमीन बनाने के लिए दी हूँ, चाउमीन बन जाएगा, तो बच्चे हैं इंतजार कर रहे हैं तो खाएंगे, और चाय बन गया है, और भाभी आई हैं उस घर से, भाभी और बच्चे आए हैं, तो वो लोग चाय वाय पी रहे हैं। तो चलिए उन लोग के साथ बैठती हूँ, थोड़ी देर अच्छा नहीं लगता अकेले साथ में बैठते हैं वीडियो शूट करना, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। चौमिन का पैकेट लेके जा रही हूँ मिस्त्री लोग को देने, मैं नहीं जा रही हूँ, बनवाने के। सुनो इधर आओ, इधर से उधर घूम रही हूँ। चौमिन बनाने के लिए मैंने दे दिया है, दरअसल बच्चे हैं घर में तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा चौमिन वोमिन बनना, तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये देखिए, हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो। हम भी काजल लगाए थे, ओहो क्या बात है रोहिन, हम भी काजल लगाए थे। और यहाँ पे देखिए एक सिल्क की साड़ी है, जो कि मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी थी। गई थी तो मैं दुकान पे, भाभी नहीं गई थी, तो भैया ने कहा कि एक साड़ी लेती आना, तो वहां से मैंने एक साड़ी लेकर आई हूँ, और मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था, तो भाभी का एनिवर्सरी गिफ्ट इसी को कहेंगे। और एक साड़ी और आई है, सिफोन की साड़ी है,
जो कि मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाया भी था थोड़ा सा। तो ये है शिफॉन की साड़ी पिंक कलर की, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी और ये मेरे पसंद की है। तो कैसी है साड़ी बताना जरूर। और यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो मेट तो मैंने लगा रखी है, पर जब तक मैं उसे बताऊँ ना कि कैसे करना है क्या करना है, तब तक उसको मतलब समझ भी नहीं आता। किसी के घर में भी ये चीज होता है, ये नई नई है मेरी मेट, तो उसको मुझे बताना पड़ता है कि ऐसे करना है वैसे करना है, कौन सी चीजें कहाँ रखी हुई है, तो इसको पता नहीं चलता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी इसकी हेल्प कर देती हूँ, तो यहाँ पे उसकी हेल्प कर रही हूँ और मतलब वो देख रही है कि भाभी मुझे बताओ क्या करना है। तो मैंने कहा कि चलो पहले मैं चाय बना के दे देती हूँ, तुम ले जाके सबको दे दो। तो यहाँ पे मैंने चाय और मिक्सचर डाल रखा है, उसके बाद चाय मिक्सचर देने के बाद वहां बाहर मैंने दे दिया है बनने के लिए। तो यहाँ पे चाय वाय मतलब देने के बाद तो दरअसल बहुत सारे क्रॉकरी निकल चुके थे, तो मुझे डर भी लगता है कि बहुत बच्चे हैं घर में और फूटने उठने का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं यहाँ पे चाय उसको दी थी और दूसरी वाली मेड मेरा जितना भी बर्तन निकला हुआ था बाहर वो सारे धो रही थी, तो मैंने वो सोचा कि चलो धो के उसको लगा ही देती हूँ। तो धो के उसने साइड में कर दिया था, बोला भाभी आप इसे लगा दो क्योंकि बच्चे हैं छूटते रहते हैं इधर से उधर, और तीन नहीं चार चार बच्चे हैं, स्पेशली गुनगुन तो बहुत परेशान करती है। तो मैंने सोचा कि चलो उसे रख देती हूँ। और ये दो जो आप लोग देखते होंगे साइड में लगा हुआ है स्टैंड जैसा, इसमें मैंने सारे क्रॉकरी अपनी लगा के रखती हूँ यहाँ पे। तो मुझे कोई और यहाँ पे देखिए चाउमीन बन के रेडी हो चुका है, और मैंने बोला चलो बच्चों से मतलब बोला कि चलो हेल्प कर दो मेरी थोड़ी सी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि चलो निकाल देती हूँ क्योंकि गरम गरम था, डर भी लगता है बच्चों को छोड़ना कि जल जाएंगे या फिर। तो मैंने सबके लिए निकाला यहाँ पे कटोरी लगा के, पेपर प्लेट का जो कटोरी था मैंने उसे ही मंगा लिया था क्योंकि यूज करने में आसान रहता है और चम्मच भी। तो यहाँ पे देखिए चाउमीन बन के, और चाउमीन भी बनाए थे जो मिस्त्री बाहर खाना बना रहे थे वही लोग से मैंने बनवाया था। तो यहाँ पे चाउमीन बहुत टेस्टी बना था सच में, और मतलब वैसे तो अभी आधा ही चाउमीन बन के आया हुआ था, और मैंने कहा कि जब जरूरत होगी तो फिर हम लोग आधा मंगवा लेंगे, क्योंकि बना के रख देने से ना ठंडा जैसा हो जाता है तो फिर गर्म करके खाने में वो टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने बस देखिए आप लोग को दिखा रही हूँ कि आप लोग भी खाइए। और यहाँ पे हम लोग सब लोग रूम में बैठे हुए थे और मतलब बैठने के, और चादर वादर आप देख ही रहे हैं कैसे हो रखा है, चादर इस वजह से ऐसा हो रखा है जो छोटी छोटी दो बेटियां हैं भाभी की, तो वो मतलब मेरा बेड थोड़ा सा ऊंचा है तो वो चादर पकड़ के ना कोशिश कर रही थी ऊपर चढ़ने के लिए, उसी के चक्कर में सारे चादर इधर से उधर हो रखे थे। मैंने बोला कि चलो छोटे हैं कोई बात नहीं बाद में एक ही बार ठीक कर लूंगी, तो यहाँ पे बैठ के इधर उधर की बातें बस हो रही थी थोड़ी सी। और यहाँ पे मतलब बातें बातें करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है और संध्या दिखाने का भी टाइम हो गया था मेरा। तो मैंने सोचा कि जो जो कपड़े सूख गए हैं उन्हें मैं हटा लेती हूँ और अभी बाकी। जस्ट पूजा वूजा करके आई हूँ और काफी देर से आप लोगों से बात करने का आज मौका ही नहीं मिल पा रहा है। बाहर चाय ये वो एकदम मतलब पूछो मत, वैसे तो खाना बाहर ही बन रहा है घर में, मतलब उतना टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं के बराबर ही टेंशन है, फिर भी बहुत ज्यादा है। तो अभी तो पूरा रूम बिखरा पड़ा है, बच्चे आए हुए थे तो भाभी भी अभी बड़ी वाली भाभी है, तो अभी 6:30 हो रहे हैं, अभी एक बार कप चाय जा रही हूँ पीने और भाभी भी आ रही है। जस्ट यहीं पे हम लोग बैठे थे, काफी बातें हुई, एक साथ बैठने में मजा आता है सच में, मतलब बातें करके थोड़ा सुकून भी मिलता है, बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले। और अभी बस अभी कब से सोच रही हूँ कि बाल बनाओ, पर चलो ठीक है घर में सब ऐसे ही रहते हैं। और ये दुपट्टा तो मैंने लिया था ना पूजा करते समय दिया जलाते समय। इस टाइम खेल रहे हैं बच्चे छत पे, काफी दिनों बाद मैं इस टाइम में आई हूँ छत पे। दरअसल पता है सीढ़ी का ना बल्ब जो था वो इधर उधर हो गया था, पेंटर लोग ने पता नहीं कहाँ निकाल के रख लिए थे उसे, तो मैं आई थी उसे लगाने के लिए। बुचन इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बुचन आओ, उसका यही वाला बल्ब है, थोड़ा सा रोशनी आती है ना तो अच्छा लगता है। यहाँ पे ये बल्ब मुझे बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ से ये सीढ़ी का रास्ता, उसके बाद दिया जलाने के बाद मैं आ गई हूँ भाभी के रूम में, बैठे हैं हम लोग सब, माँ भी बैठी हुई हैं और भाभी चेंज कर ली। भाभी को तो आपको पता ही, मैंने बताया था उनको नाइटी बहुत अच्छा लगता है, तो आपने मतलब अक्सर मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि भाभी ज्यादातर नाइटी ही पहनती है। और यहाँ पे युग को देखिए, युग की मतलब
ये आदत है ये कि मेरे साथ रहेगा ना तो चिपका रहता है मेरे से बिल्कुल, और वही गुनगुन को बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाता है गुनगुन के लिए। और यहाँ पे थोड़ा से मैंने थोड़ी सी ही दिखाई है झलकी, अब बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और अंदर खाना बन रहा था, तो खाना करीब करीब मतलब तैयार ही हो चुका था। तो ये तो मतलब मैंने अपने बेटे से बोला था कि थोड़ा सा जाके कर देना, तो वो बाहर से जितना उसको समझ में आया रिकॉर्डिंग लेकर आया है। और यहाँ पे देखिए सलाद करके रेडी हो चुका है, और सलाद में ये चटनी है थोड़ी थोड़ी मतलब बची हुई थी कि एक साथ यहाँ पे दाल है, और ये आलू बैगन का जो हमारे यहाँ चोखा बोलते हैं यूपी की फेमस होती है लिट्टी पार्टी, और ये चावल, और उधर लिट्टी बन रहा था और यहाँ पे थोड़ा सा चाउमिन बचा हुआ था जो कि दूसरी। काफी लेट हो गया और बहुत लोग आए थे खाने के लिए। मैं बाहर तो ज्यादा सूट नहीं कर पाई क्योंकि बाहर निकलना कैमरा लेके मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, और बच्चे मच्छर लग रहे हैं बच्चे, और काफी लेट भी हो चुका है, अभी 10:30 हो रहे हैं अभी। लेकिन हम लोग का खाना नहीं हुआ है, मेरा और भाभी का, बाकी सब खा चुके हैं। बड़ी भाभी आई थी, वो खाना वाना खा के चली गई, बच्चों को खाना वाना हम लोग दे दिया, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से बातें कर लूँ। वैसे भी दिन भर बातें नहीं हो पाई है अच्छे से, लेकिन क्या करे, हो जाता है ना, काम रहे या ना रहे, कोई आता है तो उसको मतलब देखना, या फिर अच्छे से निपट गया सब, छोटा या बड़ा जो भी कहो, फंक्शन फंक्शन ही होता है। और थोड़ी सी ही मतलब थकान और हरासमेंट तो हो ही जाती है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि कल है संडे तो संडे में तो बस आराम आराम से होता रहेगा और कोई टेंशन है नहीं। ऊपर से मेड भी बोल कर गई है कि कल नहीं आएगी, तो रात भर पता नहीं नींद भी आएगी कि नहीं आएगी। अब जैसे आदत सी बन जाती है ना कि मतलब मेड आती है तो हाँ मतलब आएगी, तो मेंटली रूप से आदमी खुश रहता है कि चलो कोई बात नहीं, टेंशन लगी। कल बता के गई कि भाभी मैं कल आऊंगी पर लेट आऊंगी, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो बच्चे अभी जगे हुए हैं, रूम में ही है, टीवी देख रहे हैं। मैंने बोला कि चलो, तो बोले कि मम्मी थोड़ी देर देख लेने, तो मैंने बोला चलो ठीक है, एग्जाम खत्म हो गए हैं, थोड़ा सा तो उतना तो बनता ही है। तो चलिए, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताना जरूर कमेंट करके, और फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।